welcome back to my YouTube channel. If you are new, then subscribe to my channel. तो आप सभी को तो पता ही है कि मेरे पैर में पट्टा लगा हुआ था, तो मुझे 2 महीने कंप्लीट हो चुके हैं. तो आज मैं जाने वाली हूँ डॉक्टर के पास चेकअप करवाने के लिए और अपना पट्टा कटवाने वाली हूँ आज. सो अब मैं जा रही हूँ क्लिनिक, अपनी मम्मी के साथ में जा रही हूँ आज. तो हम लोग क्लिनिक के आ चुके हैं और ये मेरी मम्मी साथ में आई है और मैं गाड़ी ड्राइव करके आई हूँ बहुत ही मुश्किल से. सो मैं क्लिनिक पर आ चुकी हूँ. डॉक्टर ने अभी 15 मिनट वेट करने के लिए बुलाया, तो अभी हम यहाँ वेटिंग रूम में बैठे हुए हैं. वेट इज ओवर, अब मुझे अंदर बुला लिया है डॉक्टर ने, तो वो अपनी प्रोसेस स्टार्ट कर रहे हैं फाइबर को मेरा जो पट्टा कट करने के लिए. और मैं बैठ तो गई हूँ लेकिन मुझे काफ़ी डर लग रहा है. बड़े आराम से बैठ गई थी, अरे आज तो मेरा जो है कट जाएगा, क्योंकि इतना टाइम से मैं उसको लेके बैठी हुई थी. मुझे बहुत बुरा लग रहा था, लेकिन वो जब कट कर रहे थे तो मशीन जो है वो वाइब्रेट हो रही थी, उस वजह से मेरा पैर में इतना ज़्यादा दर्द कर रहा था. और है ना, ऐसा लग रहा था कि मशीन का जो कट है वो अंदर तक लग रहा है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था. वो मशीन वाइब्रेट हो रही थी ऐसा लग रहा था, तो मेरी स्किन इतनी ज़्यादा सेंसिटिव हो गई है, तो मुझे इतना दर्द हो रहा था अंदर. कहाँ कटा? कटा नहीं है. जो मेरा प्लास्टर कट कर रहे थे, मैं उनको बहुत बार टोक रही थी कि प्लीज़ धीरे धीरे करो, मेरा पैर में लग रहा है, मुझे चुभ रहा है. तो फिर उन्होंने जब निकाला तो बोला कि देखो कहाँ कटा है, कटा क्या, कैसा पैर हो गया मेरा. डिफरेंस बिटवीन ये पैर और ये पैर में कितना अंतर हो गया मेरे, देखो ना पैर. मुझे देखने में बहुत अजीब लग रहा है. प्लास्टर तो कट गया, बट अब अंकल पैर का एक्सरे लेने वाले हैं. मेरा पैर काफी दर्द कर रहा है. इसको थोड़ा मुझे लगा कि प्लास्टर कट होने के बाद मुझे रिलीफ मिलेगा, बट मुझे और ज्यादा दर्द कर रहा है. पहले मुझे नीचे सपोर्ट दे रखा था सोल का, और जब वो मेरा निकल चुका था पूरी तरह से, तो मुझे काफ़ी दर्द कर रहा था और मुझे चलने में भी काफ़ी प्रॉब्लम आ रही थी. मैं पहले जैसा नहीं चल पा रही थी, काफ़ी दर्द कर रहा है मेरा पैर. सो एक्सरे वगैरह सब कुछ हो चुका है, अब मैं आई हूँ डॉक्टर के पास. उन्होंने बुलाया है मुझे. इसको अपने तरफ खींचो. अपन जब पहला अट्टा बांधते हैं, ये घर जाके निकाल लेती है, इसको अपन हल्के हाथ से. सो अब मैं घर पर आ चुकी हूँ और मेरी स्किन लूज़ हो गई थी और बहुत ही ख़राब हो रही थी. तो डॉक्टर ने कहा था कि सरसों का तेल लगा के बैठ जाना थोड़ी देर, और उसके बाद ठंडे और गर्म पानी में रोज़ आपको रेगुलर सिकाई करनी है मॉर्निंग में और इवनिंग में. तो मैं अभी वही कर रही हूँ, और मेरा पैर वगैरह की सिकाई हो चुकी है और मुझे सॉफ्टनिंग की क्रीम दे रखी है ताकि मुझे लगा कर ईचिंग ना हो. और अभी मैं बैठ कर खा रही हूँ मैगी, दिशा ने बनाई है मेरे लिए. और एक क्रीम दी है मुझे लगाने के लिए बैंडेज बांधने के पहले, क्रीप बैंडेज बांधने के पहले, ताकि पैर में दर्द ना हो. तो मम्मी अभी मुझे वही लगा रही है, और मुझे 2 क्रीप बैंडेज बांधने का बोला है. पहले वाला जो बैंडेज है वो लूज़ बांधना है, और सेकंड वाला बहुत टाइट बांधना है. रोज़ एक्सरसाइज करनी है मॉर्निंग में और इवनिंग में. और मैं अपना ब्लॉग यहीं पर ओवर कर रही हूँ. थैंक यू गाइस वॉचिंग माई वीडियो. कीप लविंग एंड कीप सपोर्टिंग. बाय बाय.